तो दोस्तों फाइनली आर ट्रिपल आर को लेकर वो खबर हम लोगों के सामने आ ही गई जिसका इंतजार इन दिनों इस फिल्म के दीवाने बहुत ही बेताबी से कर रहे थे। तो दोस्तों क्या है ये खबर, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक यानी कि भैया SS राजामौली से। तो दोस्तों आपको तो याद ही होगा कि 2018 में जब SS राजामौली ने इस बात की जानकारी सबको दी थी कि भैया वो बहुत जल्दी ही अपनी अगली फिल्म यानी कि ट्रिपल आर को सिनेमाघर में लेकर आएंगे, तो भाई इस खबर को सुनने के बाद से ही उनके फिल्मों के दीवाने काफी खुश हो गए थे इस बात को जानकर कि भाई बाहुबली के बाद एक और बेहतरीन फिल्म हम लोगों को सिनेमाघर में देखने को मिलेगी SS राजामौली के डायरेक्शन में। और उसके बाद जब इस फिल्म को लेकर यह जानकारी भी सबके सामने आई कि भैया इस फिल्म में इस बार टॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड के स्टार्स भी नजर आएंगे, तो भाई उसके बाद से इस फिल्म का बज सोशल मीडिया पर और ज्यादा बढ़ गया था। यानी कि इस फिल्म को लेकर यह बात क्लियर कर दी गई थी कि भाई इस बार इस फिल्म में जूनियर NTR रामचरण के साथ साथ अजय देवगन और आलिया भट्ट भी नजर आएंगे, तो भाई इस खबर को सुनने के साथ ही भाई इस फिल्म का जो बज था वो काफी स्ट्रांग हो गया था। यानी कि इस फिल्म की चर्चा हर जगह हो रही थी और उसके साथ साथ इस फिल्म को लेकर यह बात भी क्लियर कर दी गई थी कि भैया इस फिल्म को SS राजामौली 2020 में सिनेमाघर में रिलीज करेंगे। लेकिन भैया इससे पहले कि यह फिल्म सिनेमाघर में 2020 में रिलीज होती कि भाई कोरोना वायरस ने इस फिल्म की सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। यानी कि भैया ये फिल्म 2020 में ना तो कंप्लीट हो पाई और ना ही ये फिल्म अब 2020 में रिलीज हो रही है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये फिल्म अब 2021 में गर्मी के महीनों में रिलीज हो सकती है। लेकिन भैया इस फिल्म का काम कब से शुरू होगा और कब ये फिल्म कंप्लीट होगी इसको लेकर काफी दिनों से सोशल मीडिया पर संशय बना हुआ था। लेकिन आज इस फिल्म को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी SS राजामौली की तरफ से दी गई और वो भी एक खूबसूरत वीडियो के माध्यम से। यानी कि इस वीडियो में SS राजामौली ने वो सारी चीजें दिखाई कि भैया हमने तैयारी शुरू कर दी है भाई ट्रिपल आर की। यानी कि भैया शूटिंग लोकेशन के सेट को खोल दिया गया है, दरवाजा खुला, उसके बाद में आर्ट डायरेक्शन के जितने लोग हैं तो वो अपने काम में लग गए। यानी कि भैया शूटिंग से जुड़े हुए जितने भी सामान है उनको साफ सुथरा किया जा रहा ताकि उसको फिर से एक बार शूटिंग में इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि भैया तैयारियां शुरू हो चुकी है इस बात की जानकारी SS राजामौली ने एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इमोशनल वीडियो के माध्यम से दी है कि भाई एक लंबे अंतराल के बाद यानी कि ऐसा लगता है कि इस कोरोना काल में हम लोगों ने एक युग को जी लिया है और उस युग पर विजय प्राप्त करने के बाद अब हम फाइनली अपने काम को शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि भैया इस कोरोना काल में अब कोरोना को हम पीछे छोड़ते हुए आगे निकलने वाले हैं इस बात की जानकारी SS राजामौली ने इस वीडियो के माध्यम से दी। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये वीडियो वाकई में एक प्रेरणा स्रोत वाली वीडियो यार। यानी कि भैया इस वीडियो में बहुत सारा मैसेज छुपा है यार कि भैया आप कोरोना से डर कर कब तक घर में छुपे रहोगे, आप कोरोना को भैया मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसके सामने आकर खड़े और उसको बोलो कि भैया हम आपसे आगे निकलेंगे और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तो दोस्तों फाइनली SS राजामौली ने भी मन बना लिया, उनकी टीम ने भी मन बना लिया कि भैया अब जितना इंतजार करना था हम लोगों ने कर लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे और इस फिल्म को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों फाइनली फ्लोर पर जा चुके हैं कौन, तो भाई SS राजामौली। तो दोस्तों फाइनली इस खबर को सुनने के बाद दिल को तसल्ली मिली कि चलो भाई इस फिल्म का काम तो शुरू हुआ, हम ये उम्मीद तो कर सकते हैं कि भैया ये फिल्म बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद जब सिनेमाघर सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे तो भाई ये फिल्म सिनेमाघर में लग भी जाएगी। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा कि इस खबर को सुनने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, क्या आप इस फिल्म का इंतजार बहुत ही बेताबी से कर रहे थे, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा और मेरा नाम है पूजा शर्मा, ये मेरी वाइफ है। दोस्तों आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वरुण इंजेक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल मैडम आगे बताइए टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वायरल इंजेक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वायरल इंजेक्शन को दिया है। दोस्तों हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।